दिस इज योर होस्ट रोशान, वेलकम टू जमीन प्रॉपर्टी टूर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लवर्स लेन में, जो कनेक्ट करती है आपको मेसन रोड से, और आज का हमारा टूर इसी लवर्स लेन में लोकेटेड एक बिल्डिंग का है जिसमें 6 फ्लैट्स हैं। तो आइए चलते हैं अपनी बिल्डिंग की तरफ और उसको विजिट करते हैं। इस प्रॉपर्टी से ब्रिटिश काउंसिल और बागे जना 5 मिनट की दूरी पर, लाहौर जू और आबिद मार्केट 5 मिनट के फासले पर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 5 मिनट, गंगाराम हॉस्पिटल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, कैथेड्रल स्कूल 7 मिनट के फासले पर, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। इस प्रॉपर्टी और इसके गिर्दो नवा की मजीद मालूमात के लिए zameen.com की वेबसाइट पर जाकर प्लॉट फाइंडर से बासानी हासिल की जा सकती है। मजीद मैं आपको लवर्स लेन के बारे में बताती चलूँ तो ये 24/7 गेटेड लेन है जिसको मॉनिटर किया जाता है हर वक्त। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी उस लोकेशन पे जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। ये वो मेरे पीछे बिल्डिंग है जिसका कवर्ड एरिया 6 मरला है और इसमें 6 फ्लैट्स हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली भी रिहाइश पजीर हैं। तो आइए चलते हैं इसके अंदर अपने एक फ्लैट पर विजिट करते हैं। ये इस बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस है और मेरे लेफ्ट साइड पे ये स्टेयरकेस कनेक्ट करता है ऊपर के फ्लैट्स को। इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 2-2 अपार्टमेंट्स हैं और हर एक अपार्टमेंट का साइज 3 मल्ला का है। तो आगे चलते हैं अपने इस अपार्टमेंट की तरफ और इसको देखते हैं। इस बिल्डिंग का प्लस पॉइंट ये है कि हर एक फ्लैट की मजीद सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हर फ्लैट के आगे एक आयरन का गेट बनाया गया है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर। ये इस फ्लैट का टीवी लाउंज है जो कि आपको कनेक्ट करता है इस फ्लैट के दोनों रूम्स के साथ साथ किचन से भी। इसकी सीलिंग में SMD लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचेस भी बनाई गई हैं। मजीद मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हर फ्लैट की यूटिलिटीज़ अलग से हैं, मसलन गैस, पानी और बिजली। और गैस अंडर प्रोसेस है, यानी वायरिंग हो चुकी है और आने वाले कुछ ही वक्त में यहाँ पर गैस भी इंस्टॉल कर दी जाएगी। ये इस अपार्टमेंट का किचन है और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ की हर कैबिनेट पे यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ इस किचन में आपको स्टोव और इलेक्ट्रिक हुड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। ये इस फ्लैट का रूम नंबर 1 है जिसमें वॉल साइज क्लोजेट इंस्टॉल की गई है। उसके साथ साथ इस रूम में वॉल पेपर भी लगाया गया है और इसकी सीलिंग को मजीद प्यारा बनाने के लिए इसमें SMD लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। इस बिल्डिंग के हर फ्लैट की फ्लोरिंग मास्टर टाइल्स की गई है और इसी के साथ साथ ये रूम कनेक्ट करता है आपको इस फ्लैट के लॉन्ड्री एरिया से भी, और इस रूम के साथ भी वॉशरूम अटैच्ड है। और आइए चलते हैं अब इस फ्लैट के रूम नंबर 2 की तरफ। ये इस फ्लैट का रूम नंबर 2 है जिसमें वॉल साइज क्लोजेट बनाई गई है। इस रूम को आप इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं क्योंकि इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है दूसरे रूम से। उसके साथ साथ इसमें वॉलपेपर भी इंस्टॉल किया गया है और इसकी विंडो का व्यू स्ट्रीट में है। उसके अलावा आप इसकी सीलिंग को देख सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिक स्टाइल में बनाई गई है, और ये रूम भी विद अटैच्ड वॉशरूम है जो कि काफ़ी डिफरेंट है इसकी वैनिटी की वजह से। इस बिल्डिंग के हर फ्लैट के एक वॉशरूम के ऊपर स्टोरेज स्पेस भी बनाई गई है जिसका रास्ता इस क्लोजेट से है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल्डिंग को देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस लिहाज से कि इस बिल्डिंग की मंथली रेंटल इनकम 1,80,000 है और इसकी एनुअल ग्रोथ या कैपिटल ग्रोथ भी आप कह सकते हैं जो कि 15-17% है। ये रॉड आयरन का बना स्टेयरकेस आपको कनेक्ट करता है इस बिल्डिंग के हर फ्लैट से सेपरेटली। उसके साथ साथ मजीद मैं आपको बता दूँ कि इसमें ग्रिल्स और फेंसिंग का इस्तेमाल भी रॉड आयरन का है। इस तक मैं आ चुकी हूँ इस बिल्डिंग की रूफ टॉप पे और मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ स्टोर रूम्स बनाए गए हैं जो कि यहाँ के हर फ्लैट के लिए सेपरेटली डेडिकेटेड हैं। आज का हमारा टूर यही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ ये टूर आपको पसंद आएगा। इस प्रॉपर्टी के बारे में मज़ीद मालूमात लेने के लिए zameen.com की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर्टी ID से बासानी हासिल की जा सकती है। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, उसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा zameen.com के दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।